एक व्यूअर है हमारी अर्चना, जिन्होंने ये पूछा है कि एक्सेल में रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो दोनों ही के बारे में बताता हूं। देखिए, ये रैंडमली नंबर जनरेट करता है। आप कोई ऐसा नंबर बताइए एक्सेल को, ठीक है, जैसे अगर आप रैंड का यूज करते हैं तो इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा, ये तो पता ही है, और यहाँ पे लिखना होगा आर ए एन डी रैंड, ठीक है। रैंड फंक्शन कैसे यूज होगा, अब इसको क्लोज किया और अब मान लीजिए कि दो के अंदर के सारे दशमलव वाले नंबर हमें चाहिए, तो जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके दशमलव वाले नंबर ही इसमें आएंगे। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं दो के नीचे का ये दशमलव वाला नंबर आया हुआ है। अब इसको मैं ड्रैग करके और यहां तक लेके आऊं, फिर नीचे तक लेके जाऊं, तो ये दो के अंदर के ही सारे नंबर्स, अलग अलग नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें रैंड बिटवीन की, तो रैंड बिटवीन हम यूज करते हैं तो उसमें दो नंबर हमें देने होते हैं, तो यहाँ पर रैंड बिटवीन कर दिया हमने। और अगर यहाँ देखिए दिया हुआ है बॉटम, बॉटम यानी सबसे छोटा वाला और टॉप यानी सबसे बड़ा वाला, ये दोनों नंबर हमने दे दिए कॉमा दे करके, बस हमें इतना ही करना है और एंटर प्रेस करना है। और फिर देखिए ये एक नंबर आ गया दोनों के बीच का, यानी दो और 89, टू और 89 के बीच का एक नंबर, और फिर इसको ड्रैग करते जाइए और टू और 89 के बीच के सारे नंबर्स ये आते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये नंबर्स आते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि रैंड और रैंड बिटवीन ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे नंबर्स की जरूरत पड़ती है तो आप इन दोनों ही फॉर्मूले में से किसी का भी यूज कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।